नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। मुमताज के निधन की अफवाह पर परिवार का फूटा गुस्सा, खुद अभिनेत्री ने सामने आकर बताई सच्चाई। पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर गुजरे जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस मुमताज की निधन की खबर उनके फैंस के बीच तेजी से फैल रही है। खबर थी कि मुंबई के एक अस्पताल में मुमताज का निधन हो गया है। और तो और, ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने अपने ट्वीट से इस खबर की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से अभिनेत्री मुमताज का निधन हो गया है। लेकिन अब मुमताज के परिवार वालों ने चल रही इन सभी खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मुमताज के परिवार के एक सदस्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, जीवित है, हमें पता नहीं चल रहा कि ऐसी झूठी खबर क्यों फैलाई जा रही है। मुमताज लंदन में अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रही है। बता दें कि एबीपी न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में एक्ट्रेस मुमताज ने बताया, मुझे नहीं पता ये खबर कहां से आई, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं इस समय लंदन में अपने परिवार के साथ खुश हूं, खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। हंसते हुए मुमताज ने आगे कहा, मुझे पता है कि इस तरह की खबरों से मेरे फैंस काफी दुखी होते होंगे। कुछ महीनों पहले भी मेरे निधन की खबर उड़ी थी, उस दौरान भी मेरे फैंस काफी निराश हुए थे। आपको बता दें, मुमताज के निधन की खबर फैलने के बाद बेटी तान्या माधवनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया था, साथ ही सभी खबरों को झूठ बताया था और बताया कि मुमताज को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। कोमल नाहटा ने भी गलत खबर देने को लेकर दूसरा ट्वीट किया और सबसे माफी मांगी। एज यू नो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मुमताज जाना पहचाना नाम है। उन्होंने अपनी काफी सफल फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया है। बहरहाल, ऐसे में हम तो यही दुआ करते हैं कि मुमताज की लंबी उम्र हो और वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।